डाटा केबल पे आप लगाओगे गाइस, तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, स्क्रीन में आ जाइए। आपको स्क्रीन में ये जो पोर्ट है अभी आप देखोगे एक ही बार ब्लिंक है हमारा पीसी। ये देखिए यहाँ पे आपका प्रीलोडर बन के नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा वी ऐसा कोडिंग करके नंबर आना चाहिए, तो मतलब ये आपका ब्राउन में मोड में हो गया। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हमारी YouTube फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों, आज का जो हॉट टॉपिक है वो है वीवो के बाय 12, बाय 15, बाय 17, बाय 20 या यही सारे सेटों को अनलॉक करने का। और ये जो हॉट टॉपिक है ये अभी के करंट सिनारियो का अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि लोग ना अक्सर इसमें जो पैसा कमाना चाहिए वो पैसा लुटा रहे हैं, जिससे हमें पैसा बनना चाहिए उससे हमारा पैसा जा रहा है, नाम खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये सेट बनने ये सेट अनलॉक के लिए आ रहे हैं और अगर आप कहीं गलती से इस सेट को या सही जानकारी या पूरा नॉलेज ना होने के कारण ये सेट को आप अनलॉक टूल से या किसी से भी टूल से आप इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कोई टूल दावा भी करता है कि भाई मैं 100% निकाल देता हूँ, मान लीजिए कोई टूल दावा करता है कि मैं 100% निकाल भी देता हूँ, अब उस सिर्फ दावे के तौर पर आप उस फ़ोन को कनेक्ट करके अगर उसे अनलॉक करते हैं और लॉक इन भी डन दिखती है, तो भी उसके बाद अगर आपका फ़ोन चालू नहीं होता है तो क्या हालत होती है उस समय, मैं जान सकता हूँ। ये बात मैं आपकी समझ सकता हूँ एज ए टेक्नीशियन, क्योंकि दोस्तों कस्टमर सामने खड़ा है, कस्टमर अपना एक महंगा फ़ोन आपके हाथ में लेके आ रहा है, कस्टमर ने सिर्फ आपसे अनलॉकिंग की बात की है, कस्टमर ने नहीं बोला है कि मेरा फ़ोन डेड करो। तब ऐसी कंडीशन आ जाने पर दोस्तों मतलब माइंड काम करना बंद कर देता है और घूम जाता है सब कुछ, और ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए। कौन कौन मुझसे सहमत है इस बात पे है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आपको वाकई में ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी फीलिंग अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए। अगर किसी चीज़ को अनलॉक करने में सियोरिटी नहीं है, अगर किसी चीज़ को अनलॉक करने में अभी माइनस प्लस है, क्योंकि अभी मीडियाटेक ने अपनी जो अपडेट मोबाइल, अगर मैं बात करूँ जो मोबाइलों ने अपडेट जिस मोबाइलों पे अपडेट किए गए हैं उस मोबाइलों की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी पैच, उसकी जो पैच है वो काफ़ी अपडेट है, काफ़ी हाई है, और सिक्योरिटी को अनलॉक नहीं किया जा रहा है, और कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ टूल सपोर्ट कर रहे हैं कुछ टूल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या ये गेम बन गया है कि आओ चांस लें? तो ऐसा चांस मैं यही कहूँगा, ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो से आपको नॉलेज तो मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक अनलॉक मेथड हमारे दुर्गेश सर की, हमारे सॉफ्टवेयर टीम की, एसर टेलीकॉम की टीम की मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आप उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, बट अगर आप हार्डवेयर का काम नहीं करते हैं तो ये मेथड बिल्कुल आप अप्लाई मत कीजिए। और मैं आपसे इस वीडियो को शुरू होने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको डैग ड्रेस नहीं लेना है, कस्टमर अगर आपको मोबाइल खोलने के लिए नहीं बोल रहा है या कस्टमर नहीं चाहता है कि आप किसी तरह के फ़ोन खोलें या उसको डेड करें, तो आप प्लीज़ ऐसे फ़ोनों को अभी मत लीजिए और इसको अपने दुकान पे आने मत दीजिए। आप बिल्कुल मना कर दीजिए सर मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो हो सकता है आगे जाकर इम्प्रूव हो जाए, मतलब जो इम्प्रूव अगर मैं बात करूँ टूल्स में इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ सिक्योरिटी पैच में इम्प्रूवमेंट आ जाए कि हाँ ये अनलॉक हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हुई है हमेशा, जो सिक्योरिटी अभी बहुत टाइट है उस सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं तोड़ा गया है और उसके लिए डेवलपर काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। बट अगर अभी की स्टेज में बात करें आप रिस्क मत लीजिए। मेरे चैनल के थ्रू मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप बहुत सारे लोगों के वीडियो देखते होंगे, उसमें बोलते होंगे कि ये टूल यूज़ कर लो वो टूल यूज़ कर लो, इवन मैंने ही एक वीडियो बनाया पर मैंने नॉलेज के लिए बनाया, मैंने कहा आप नॉलेज दे लीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि आप Y15 Y17 कोई लगा दीजिए और कस्टमर सामने खड़ा है तो ही लगा दीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, मैंने कहा कि इवन अपने घर का फ़ोन पहले यूज़ कीजिए तब जाके आप वो लगाइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिए समझिए, और अगर आप हार्डवेयर का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो हार्डवेयर का काम सीखिए, क्योंकि अभी की डेट में सॉफ्टवेयर का काम करने वाले लोग हार्डवेयर का काम नहीं आ रहा है, उस वजह से आप अपने क्षेत्र में लैक हो जाएंगे। और दोस्तों आने वाले समय में अभी सिक्योरिटी इसी लेवल पर अपडेट होने वाली है और नई नई सिक्योरिटी ऐसे टाइम पर ऐसे आएगी कि आपको फ़ोन खोल के भी अनलॉक करना पड़ सके। अगर मैं बोलूँ कि अभी आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है तो आप कस्टमर से एक बार ज़रूर बात कीजिए, बोलिए कि सर इसको अगर अनलॉकिंग के टाइम पर ये
डेड हो जाए तो हम इसको खोल कर इसको बना देंगे, बट आपको दे देंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, ये डेड होगा तो ऐसा नहीं है कि डेड ही हो गया, सीपीयू मर गया, इसका सीपीयू हीट हो गया या सीपीयू डैमेज हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल बहुत आसानी से बन भी जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। पर कस्टमर से एक डेड रिक्स जरूर ले लें। अगर जो कस्टमर बोलता है हाँ ठीक है तुम मेरे फ़ोन को खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है तो कर लो, क्योंकि कोई नहीं कर रहा भाई आप तो कर लो, मैं आपको रिक्स दे देता हूँ, कोई बात नहीं है, तो फिर आप गारंटी के साथ उसको खोलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में। बट अगर जिस चीज़ का अभी सिक्योरिटी मार्केट में नहीं है, टूल में नहीं है, तो आप उसकी सिक्योरिटी कैसे आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं कि भाई मैं कर दूंगा। सो अगर दे रहे हैं तो फिर नॉलेज रखिएगा और नॉलेज के साथ दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं आपके साथ कुछ आपको मुंह में आपके आइए मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करता हूं कि किस तरीके से आप इसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं एक तरीके से। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि यही तरीका यूज़ होगा, हो सकता है इसके भी अलावा भी कोई यूज़ हो तरीका। जैसे मैं बात करूँ अभी के फ़ोनों में, आप मीडियाटेक की बात करेंगे तो प्री लोडर पोर्ट तो बन रहा है, पर वो ब्रोम पोर्ट पर नहीं जा रहा है। सो ब्रोम पोर्ट को लाने के लिए आइए एक मैटर मैं आपको रिवील कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके ओप्पो के वाई 12, वाई 15, वाई 17 या वाई 20 जी आ रहा है, तो आपको क्लॉक से जो आपको पिक्चर भी दिखाई देगी, आपको फोटोज पता कर लेना है कि कैसे आपको किस तरह आपके क्लॉक के पिक्स। पहले पोर्ट सिंपल सा इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे पोर्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कर लेना है, आपको एक मैंने जंपर ले लिया है और ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा ग्राउंड कर लिया है। तो आपका जो पोर्ट बनना चाहिए, जो हमारा क्योंकि जो हमारा कनेक्ट ओपन नहीं हो रहा है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो प्री लोडर पे बन रहा है। अगर आप वैल्यूम अप डाउन या तो डायरेक्ट लगाते हो तो प्री लोडर बन रहा है, मेरा ब्राउन मोड नहीं बन रहा है। तो मैं आपको पीसी में दिखाऊंगा कि आपका ब्राउन मोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ सिंपल सा गाइस, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसको कनेक्ट कर देता हूँ और आप अभी स्क्रीन में देखेंगे यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि पोर्ट हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ग्राउंड पे यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्राउंड कर दिया। ये देखिए मैंने ऐसा ग्राउंड आप भी कर सकते हैं, ट्विजर के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सिंपल डाटा केबल को लगाता हूँ यहाँ पे। जैसे डाटा केबल पे आप लगाओगे गाइस, तो अब आप यहाँ पे आ जाइए स्क्रीन में आ जाइए, आपको स्क्रीन में ये जो पोर्ट है अभी आप देखोगे एक ही बार ब्लिंक है हमारा पीसी। ये देखिए यहाँ पे आपका प्री लोडर बन के नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा वी ऐसा कोडिंग करके नंबर आना चाहिए, तो मतलब ये आपका ये आपका ब्राउन मोड में हो गया। आप नोटिस करो गाइस कि दोस्तों आप नोटिस करो दोस्तों कि किस तरीके से जो वी पोर्ट है, ब्रूम पोर्ट है, वो बनाया। मतलब आपको आपका जो टेस्ट पॉइंट है, वो टेस्ट पॉइंट मैं आपको रिवील करता हूँ, वो है आपका क्लॉक। आपको आपके फ़ोन का ISP निकालना है और आपके क्लॉक जो आपका क्लॉक का रजिस्टर है दोस्तों, उसी रजिस्टर को एक सिरे को आपको एक ग्राउंड के साथ टच करना है। और जैसे ही आप इसको ग्राउंड के साथ टच करेंगे तो ये आपका वी प्रो या आपका ब्रोम पोर्ट बनाएगा और उसके साथ आप इसको अनलॉकिंग करना। बट मैं ये फिर भी नहीं कहूँगा कि अनलॉकिंग सक्सेस हो जाएगी, हो सकता है कि फ़ोन डेड हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपकी अनलॉकिंग हो जाए और आपका फ़ोन भी ऑन हो जाए पूरी तरीके से। और दोस्तों कई बार ना जब अनलॉकिंग में फ़ोन डेड कर रहे हैं लोग इस तरह से, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर भी ख़राब हो जाता है, ये रजिस्टर टूट जाता है, ये रजिस्टर जल जाता है, ये रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो इस रजिस्टर को आपको जंपर नहीं मारना है, क्योंकि आप जंपर मारोगे तो मैं इसका भी आंसर आपको देना चाहूँगा कि जैसे आप इसको जंपर मारोगे आपका फ़ोन रीस्टार्ट करने लगेगा। कुछ फ़ोन हो सकता है ऑन हो जाए पर कुछ रीस्टार्ट करे, तो आपको इसको यहाँ पर एक 0 ओम से लेकर 22 ओम तक का रजिस्टर यहां पे लगा सकते हैं। वो रजिस्टर लगाने पे आपका फोन नॉर्मली तरीके से ऑन हो जाएगा। सो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर उसके बाद भी आपका ये हो रहा है, तब आप इसकी डाउनग्रेड, अगर आपके पास में इसके बाद भी आपका ये नहीं ऑन हो रहा है, तो डाउनग्रेड फाइल के साथ, अपग्रेड फाइल नहीं, डाउनग्रेड फाइल के साथ इसको पूरा फ्लैश कीजिएगा ये रजिस्टर लगाने के बाद, तो आपका सेट ऑलवेज आपका सेट ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, अगर हमको ये नॉलेज नहीं है, अगर हम ये हार्डवेयर पे काम नहीं कर पा रहे हैं और अगर हम कस्टमर से डैड का रिक्स नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये काम अभी आपको करना चाहिए। कुछ टाइम तक रुक जाओ, हो सकता है इसका नया अपडेट आए, इसको तोड़ने के लिए कोई सिक्योरिटी के लिए, इसकी सिक्योरिटी को पैच को तोड़ने के लिए टूल में अपडेट आए जो सिक्योर हो, जिस पर लोग काम कर रहे हो, जिस पर वीडियो बन गए, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। क्योंकि दुकान में 2 पैसे कमाना है, 4 पैसे लौटाना नहीं है।
है ना। आई होप कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी और ढेर सारा नॉलेज मिला हो और एक्चुअल नॉलेज मिला हो और एक टेक्निकली नॉलेज मिला हो। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू, डबल टेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।